मित्रों प्रणाम, मैं आपका साथी आपका आचार्य आपका स्वागत करता हूँ YouTube के चैनल ओम के कार्यक्रम तंत्र मंत्र व यंत्र में। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शत्रु का तुरंत विद्वेषण का मंत्र। कि आपने इधर मंत्र पढ़ा और उधर विद्वेषण हो गया, इतना बड़ा मंत्र है और शावर मंत्र है। ये शावर मंत्र के बारे में आप जानते ही होंगे सब लोग। शावर मंत्र बहुत सिद्ध मंत्र है, भगवान भोलेनाथ के डमरू से उत्पन्न हुए हैं। सबसे पहले देखिए अपने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो शीघ्र शत्रु विद्वेषण यानी तुरंत शत्रु विद्वेषण मंत्र। ओम सत्य नाम आदेश गुरु को आप ढाक दोनों बनराई अमुक अमुक ऐसे करें जैसे कुकर और बिलाई। ओम तो देखा आपने कितना सरल मंत्र है, सिर्फ दो लाइन का मंत्र है और इसका प्रभाव हिमालय पर्वत से भी बड़ा है। इसको आप किसी भी ग्रहण वेला में या दीपावली की रात्रि में पढ़कर 10,000 बार सिद्ध कर ले और उसके बाद जब आपको इसका प्रयोग करना है अपने शत्रु के ऊपर तो आप किसी भी एक दिन अर्थात शनिवार से ये कार्यक्रम शुरू होगा, ये प्रयोग आप शनिवार को आरंभ करेंगे। शनिवार से 7 दिन तक ये प्रयोग चलेगा। उसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि आग की लकड़ी, आग आपको पता ही है अठौवा कहते हैं कुछ लोग, आग के पेड़ होते हैं, आग के 7 पत्ते और आग की लकड़ी, ये आप अपने पास पहले से रख लें। शनिवार के दिन अपने हवन कुंड में आग की लकड़ी लगा दें। उसके बाद आपको आग यानी मदार की लकड़ी को जलाना है और जो आग के पत्ते होते हैं मदार के पत्ते 7 पत्ते मदार के, उनको लेकर कोयले की एक स्याही बना लें। कोयले की स्याही से आप अपने शत्रु का नाम उस पर लिख के एक एक पत्ते को हर पत्ते पे शत्रु का नाम लिखेंगे और उनको उस हवन कुंड में मंत्र पढ़ते हुए वो जला दें। याद रखिए 7 पत्ते जब तक जल ना जाए तब तक आपको लगातार मंत्र पढ़ना है। एक एक करके 7 पत्ते आप उसमें डालें, जब वो जल जाए उसके बाद आप उस राख को जब वो ठंडी हो जाए, हवन कुंड आपका ठंडा हो जाए, उसके बाद आप उस राख को आपको सिर्फ गंगा में या किसी नदी में बहा देना है। यानी 7 दिन तक आप लगातार 7 मदार के पत्ते लेकर उस पर कोयले की स्याही से अपने शत्रु का नाम लिखेंगे और उन पत्तों को मंत्र का प्रयोग करते हुए आग की लकड़ी में जला देंगे और प्रतिदिन उस हवन कुंड की सफाई करते हुए उस सामग्री को आप नदी में बहा देंगे। 7 दिन तक अगर आप लगातार ये करने में सक्षम हो गए मित्रों तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपके शत्रुओं में ऐसा विद्वेषण होगा कि आप देखते रह जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कुत्ता और बिल्ली का बैर होता है ऐसा ही विद्वेषण हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ रह ही नहीं पाएंगे। इसमें मंत्र में जहां अमुक और अमुक मैंने 2 जगह बोला, वहां आप अपने शत्रुओं का जिनमें आपको विद्वेषण कराना है उनका नाम ले। तो आपको कैसा लगा ये मंत्र आप मुझे सूचित करेंगे अपने लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा। जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए कार्यक्रम तंत्र मंत्र व यंत्र और कुछ अनसुनी अनकही कहानियां। आज की सभा में बस इतना ही मित्रों, अगली सभाओं में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।